अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आदाब। इसमें बिलाल क्यूटो की आजाले 63 नंबर ब्लॉग में आप सब लोगों का थैंक यू बोलता हूँ, वेलकम करता हूँ। ठीक है, ब्लॉग को शुरुआत करने से वही एक रिक्वेस्ट है हम गरीबों वगैरह कि प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, थैंक यू। सो गाइस, आज हमारे घर पे है खत्म कुरान या नात खानी, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो हम बच्चों को बुला के दाल रोटी और मुर्गी टाइप आइटम बना रहे हैं। मजाक करूँगा कि बच्चों को खाना खिला के घर पे जिन मतलब मम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है, आप लोग और भी दुआ आप लोग कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो आज मैंने कुर्ता शलवार इसी कुर्ता पैंट इस वजह से पहना है। खैर, ये पैंट भी पुरानी है, अब कोई ब्रांड स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, तो यही हमको पुरानी करनी पड़ेगी। और आ गया एक और अजाब, हमारी चाचू का बेटा मतलब कि मेरा एक छोटा कजन जिसकी अभी बर्थडे आने वाली है। ठीक है ना, 27 जुलाई को। तो मैं पहले से मैं शायद शौक से लग रहा हूँ, मैंने इसीलिए कुर्ते शलवार पहना है क्योंकि 63 नंबर ब्लॉग भी। ठीक है, और आप लोग बीसी बर्थ स्टाइल के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है ना, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि खुश रहो पाकिस्तान, तुम छोड़ दिया फला शो, तुम छोड़ दिया। मैं सिर्फ बोलता हूँ शो में, लेकिन मैंने आज तक अपने आप से कोई शो नहीं छोड़ा। क्या हो सकता है कि तकदीर ने मुझे छोड़ दिया हो या मुझे फिलहाल होल्ड ऑन पे रखा हो। क्या एनी वे, उस शो का मेरे करियर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस शो से सिर्फ फेमस होता हूँ, ना कि लाखों करोड़ों अरबों रुपये का काम मिला होता। तो इस टाइप का कि आप फेमस के होने के लिए जाओ, आपको अगर मौका मिल जाए। ठीक है, ऐसे में खा को, लेकिन मेरा जो 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 मेरे जो यूट्यूब चैनल का नाम है बी सी वर्स्टाइल 786@gmail.com पे आप लोग पीआर पेट कोले वगैरह की एक्टिंग, वॉशिंग, मॉडलिंग, ड्रामा, फिल्म, म्यूजिकल, ब्रांड शूट, वीडियो सॉन्ग, रैंप शूट, फैशन शूट, बॉल शूट, कुछ भी हो, इस्लामिक शूट, कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग प्लीज कर सकते हो। प्लीज़ मुझे बताओ कि ये मैंने कुर्ता कितने का लिया है, और अभी का एक पुराना और ये नहीं चमक रहा है इसीलिए क्योंकि फोको ने इसलिए की है। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बच्चे आएंगे। तो गाइस, बस दुआ करो कि मुझे ड्रामा फिल्म कमर्शियल वगैरह में फिरोज खान टाइप या वहाज अली टाइप या खुशहाल खान टाइप या फवाद खान टाइप इससे अच्छा करियर मिल जाए, और मैं सैर सीरियस होने के नाते एक आगे आऊँ। ठीक है, और अपनी जहन से ये छोटी सोच निकालो कि कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन काला है, कौन गोरा है। एक लंगड़ा बंदा भी फिरोज खान की जगह आ सकता है अगर उसको मौका दिया जाए तो। ठीक है ना, तो सब इक्वल हैं, सबको अमीर करे, खुदा किसी को गरीब ना पैदा करे, बस हमारी यही दुआ है। ठीक है, तो छोटे भाई आया अभी काम से पसीने में, ना कि शराबोर हुआ, मैंने इसको बोतल दिए। ठीक है, तो गाइस यही कि मेरी तस्वीर से मोहब्बत है। ठीक है, और अगर कोई फ्री में अगर मुझे पेंटिंग या तस्वीर दे सकता है तो कर दे, ताकि मैं अपने घर की छतों पे, वॉल्स पे, दीवारों पे उसको लगा सकूँ। गाइस ब्लॉग लंबा हो गया, बच्चे जब आएंगे तो उसके अंदर छोटा सा मैं दिखाऊंगा क्योंकि ऐसा बुरा भी लगता है। ठीक है, अब मैं कोई डेली व्लॉगर तो हूँ नहीं, या मैं वीकली और मंथली व्लॉगर के मंथली आपको 2-3 या 3-4 व्लॉग मिल जाते हैं मेरे तो काफ़ी है। खैर, पिछले साल से मैंने अब तक आई थिंक 70+ वीडियो बनाई है, 182 सब्सक्राइबर हासिल हुए हैं, और ये 182 सब्सक्राइबर मैंने अपनी मेहनत से हासिल की, ना कि किसी सुपरस्टार के शाउट आउट से। हो सकता है कि मैं शाउट आउट ले जाऊँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को 1000 सब्सक्राइबर करो और 4000 घंटा भी करो। ठीक है, थैंक यू, ताकि हमारी भी मनी दे चार्ज हो सके और हमें भी अच्छा काम मिल सके। खैर गाइस, से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला के इसको ऊपर से ऊपर ले जाए। वो तो मुझे पता है कि जहाँ उरूज है वहाँ जवाल है, और जहाँ जवाल है वहाँ उरूज है। तो मैंने अभी तक पैसों वाला उरूज तो देखा ही नहीं, और नहीं मिले इतने को लाखों करोड़ों फैन बनाए। खैर, फैन बनाने का मुझे मौका भी नहीं मिला, नहीं ख्वाहिश है, तो मेरा पैसा बनाने का ख्वाहिश है। तो प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिए, और अभी दिखाऊँगा आप लोगों को कि मदरसे के बच्चे कैसे दिखते हैं, कैसी ड्रेसिंग करते हैं, और हो सकता है कि किसी एक को पकड़ के छोटे से इंटरव्यू भी कर दूँ। लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि मैं ज़्यादा उन लोगों को लाऊं, क्योंकि आई एम सेल्फिश मतलब ही। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, अभी मैं चाय पीऊँगा, इसके बाद खाना खाऊँगा, और खाने के अंदर आज पता नहीं क्या होगा, दाल रोटी मिलेगी कि सब्जी रोटी मिलेगी। खैर, जो भी मिलेगा अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लूँगा, मज़ाक कर लूँगा। इस मतलब कि नॉर्मल पकता है, मतलब हमारे घर में ये नहीं होता कि रोज़ाना लाखों रुपए का KFC, मैकडोनल्ड या हल्दी इस टाइप आधा फ्री में कर रहा हूँ। प्लीज़ स्पॉन्सर कर दे। ठीक है, इसको खाने पीने की चीज़ें, आईफोन मुझे गिफ्ट कर दो।
जॉब से अपार्ट, लेकिन ये है कि बातें करने में मैं माहिर हूँ। लेकिन मुझे होस्टिंग की जॉब मिलती तो आई थिंक मैं अपने करियर को एक्सेल मार सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरी घर ही है, ठीक है, ये है। तो बस यही सारा व्लॉग है, ठीक है। और पिछले से पिछले व्लॉग में जो आप लोगों ने जो मोहब्बतें दिखाई हैं, 2,000 से ज़्यादा ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें 2 करोड़ 2 अरब 2 खरब से ज़्यादा व्यूज़ आए, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम अ ट्रिलियनियर। मैं ट्रिलियनियर बनना चाहता हूँ एक अच्छे वे में, ना कि मैं बुरे वे में बनूँ और मुझ पर ज़्यादा ट्रॉलिंग ना करें, मुझे सपोर्ट करें, ऐसा मैं चाहूँगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो कर दें। खैर, इसमें खूबसूरत लग रहा हूँ ये बताएं कि, और ये स्टाइल अच्छा लग रहा है, इंडियन है, पाकिस्तानी, हॉलीवुड है। आई थिंक कि ये इंडियन स्टाइल लगता है, ये सब प्योर देसी चंडीगढ़ टाइप, ऊपर पगड़ी वगैरह पहन ले। खैर गई, ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट को सब्सक्राइब करो। पाकिस्तान जिंदाबाद, बिलाल प्यूटो पाई जिंदाबाद, और बिलाल प्यूटो की फैन आर्मी भी जिंदाबाद, ठीक है। ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ प्लीज़ गई। अभी बच्चे आएंगे तो उनको मैं दिखाऊंगा, और अगर ना भी दिखा पाया तो पहले से सॉरी कह रहा हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोशिश करूंगा कि छोटा सा क्लिप हो सकता है, मैं अपने रूम से ही क्लिप कर लूं, क्योंकि हमारे घर पे ये जो चटाई बिछी हुई इसके अंदर बैठेंगे, ठीक है, वो लोग। तो ये सब सीन है, बस गरीब हैं, ठीक है ना। कोई अगर लाखों करोड़ों वाला प्रोजेक्ट मिल गया वहाँ जरी टाइप का, तो हम एक्शन मार सकते हैं। खैर, नुमान नुमान संधू फिर से आगे। खैर, किसी का मजाक नहीं होना चाहिए, लेकिन नुमान बहुत तंग करता है। नमन को तमीज़ नहीं कि पहले मिस कॉल देते हैं, फिर घंटी बजाते हैं कि थैंक यू, बाबा, अल्लाह हाफिज़। ये जो ज़िंदगी है, ये एक एमरजेंसी है, यहाँ लोग आते हैं, चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। गहरी बात है सरकार।